आइए सुनते हैं पवित्र व्यक्तित्व वाले इस महान संत के कुछ अनमोल वचन। मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल ऋतु आने पर ही लगेगा। हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है, और हम जैसा पानी पीते हैं वैसी ही हमारी वाणी हो जाती है। सिर्फ बड़े होने से कुछ नहीं होता। उदाहरण के लिए खजूर का पेड़ जो इतना बड़ा होता है, पर न तो किसी यात्री को धूप के समय छाया दे सकता है, और न ही उसका फल कोई आसानी से तोड़कर अपनी भूख मिटा सकता है। सबके बारे में भला सोचो, न किसी से ज्यादा दोस्ती रखो और न ही किसी से दुश्मनी। अगर पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से भगवान मिल जाते तो मैं पहाड़ की पूजा कर लेता हूँ। उसकी जगह कोई घर की चक्की की पूजा नहीं करता, जिसमें अन्न पीसकर लोग अपना पेट भरते हैं। वाणी एक अमूल्य रत्न के समान है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तोलकर, अर्थात सोच समझकर ही मुंह से बाहर आने देना चाहिए। कुछ लोग बहुत पढ़ लिखकर दूसरों को उपदेश देते हैं, लेकिन खुद अपनी सीख ग्रहण नहीं करते। ऐसे लोगों की पढ़ाई और ज्ञान दोनों व्यर्थ है। जब मैं इस संसार में बुराई खोजने निकला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, परंतु जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि इस संसार में मुझसे बुरा कोई नहीं है। नहाया धोया पर अगर मन के मैल को साफ ना किया तो क्या फायदा। जिस प्रकार मछली हमेशा पानी में ही रहती है, फिर भी उससे बदबू ही आती रहती है। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर इस जग में न जाने कितने लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि अगर कोई प्रेम के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी प्रकार पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी है। जिस तरह चिड़िया के चोंच भर पानी ले जाने से नदी के जल में कोई कमी नहीं आती, उसी तरह जरूरतमंद को दान देने से किसी के धन में कोई कमी नहीं आती। कौवा किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी लोगों को वह पसंद नहीं, और कोयल किसी को धन नहीं देती, फिर भी वह सबको पसंद है। यह फर्क सिर्फ बोली का है। कोयल अपनी मीठी बोली से सबके मन को भा जाती है। जिस तरह दीपक की सुनहरी और लहराती लौ की ओर आकर्षित होकर कीट पतंगे जल मरते हैं, उसी प्रकार लोग विषय वासना की तेज लहर में बहकर ये तक भूल जाते हैं कि वे डूब मरेंगे। जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। जीवन बहुत छोटा होता है, अगर पल भर में समाप्त हो गया तो क्या करोगे। मैं दुनिया के सभी लोगों के साथ लड़ सकता हूँ, पर अपनों के साथ नहीं। मुझे अपनों के साथ जीतना नहीं बल्कि जीना है। जो व्यक्ति इस संसार में बिना कोई कर्म किए पूरी रात को सोते हुए और सारे दिन को खाते हुए ही व्यतीत कर देता है, वो अपने हीरे के समतुल्य अमूल्य जीवन को कौड़ियों के भाव व्यर्थ ही गवा देता है। जो हमारी निंदा करता है उसे अपने पास ही रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। पाप के नीचे पड़े हुए तिनके की कभी निंदा मत कीजिए, क्योंकि जब यही तिनका आंख में चला जाता है तो बहुत दर्द देता है। ठीक उसी प्रकार कमजोर और गरीब लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय बड़ा बलवान है, कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है। कुछ लोग वर्षों तक हाथ में माला लेकर फेरते हैं, लेकिन उनका मन नहीं बदलता, अर्थात उनका मन अटी और प्रेम की ओर नहीं जाता। ऐसे व्यक्तियों को माला छोड़कर अपने मन को बदलना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। जो जितनी मेहनत करता है उसे उसका उतना फल अवश्य मिलता है। गोताखोर गहरे पानी में जाता है तो कुछ लेकर ही आता है, लेकिन जो डूबने के डर से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं वे कुछ नहीं कर पाते हैं। धर्म करने से धन नहीं घटता। देखो, नदी सदैव बहती रहती है परंतु उसका जल घटता नहीं। जब तक यह देह है तब तक तू कुछ न कुछ देता रह, जब देह धूल में मिल जाएगी तब कौन कहेगा कि दो। यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है तब उसे अपने दोष याद नहीं आते,
जिनका न आदि है न अंत। जो लोग गुरु को दूसरा व्यक्ति समझते हैं वे लोग अंधे हैं, क्योंकि जब भगवान रूठ जाते हैं तो गुरु के पास ठिकाना मिल सकता है, लेकिन गुरु के रूठने पर कहीं ठिकाना नहीं मिल सकता। जिस प्रकार चक्की के दो पाटों के बीच में कोई भी अनाज साबुत नहीं बचता, ठीक उसी प्रकार जीवन और मृत्यु के बीच में कोई भी नहीं बचता। सबको एक दिन जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी लोग अनजान बने रहते हैं। जैसे दिलों में तेल छुपा रहता है, जैसे चकमक में आग छुपी रहती है, उसी प्रकार अपने अंदर भी ईश्वर का वास है। हमें कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप ढूंढ सको तो ढूंढ लो। अच्छे लोगों की संगत कभी भी नुकसान नहीं करती, क्योंकि चंदन का वृक्ष चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, वह नीम का वृक्ष नहीं कहलाएगा। उससे अच्छी खुशबू ही आएगी और वह आसपास के वातावरण को भी सुवासित कर देगा। सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है न कि उसकी म्यान का। यह शरीर तो जंगल के समान है और हमारे कर्म कुल्हाड़ी के समान। इस प्रकार हम खुद अपने आप को काट रहे हैं। न तो अधिक बोलना अच्छा है, न जरूरत से ज्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं। जैसे पानी के बुलबुले होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी क्षणभंगुर है। जैसे सुबह होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। जैसे चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, उसी प्रकार सज्जन पुरुष को चाहे करोड़ों दुष्ट मिलें, फिर भी वह अपने भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेता है और निरर्थक को उड़ा देता है। जहां पर आपकी योग्यता और गुणों का प्रयोग नहीं होता, वहां आपका रहना बेकार है। जैसे ऐसी जगह धोबी का क्या काम, जहां पर लोगों के पास पहनने को कपड़े ही न हो। समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए, बगुला उनका भेद नहीं जानता, परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकार ही जानता है। अज्ञानी व्यक्ति काम कम और बातें अधिक करते हैं। ऐसे लोग खुद अपना तर्क रखने के बजाय सुनी सुनाई बातों को ही रखते रहते हैं। कुछ लोग भगवान का ध्यान फल और वरदान की आशा से करते हैं, भक्ति के लिए नहीं। ऐसे लोग भक्त नहीं, व्यापारी हैं, जो अपने निवेश का चौगुना दाम चाहते हैं। मूर्ख का साथ मत करो। मूर्ख लोहे के समान है, जो जल में तैर नहीं पाता डूब जाता है। संगति का प्रभाव इतना पड़ता है कि आकाश से एक बूंद केले के पत्ते पर गिरकर कपूर बन जाती है, सीप के अंदर गिरकर मोती बन जाती है और सांप के मुख में पड़कर विष बन जाती है। यदि कार्य उच्च कोटि के नहीं है तो उच्च कुल में जन्म लेने से क्या लाभ। सोने के कलश में यदि शराब भरी हो तो साधु उसकी निंदा ही करेंगे। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है। अगर दोनों एक साथ खड़े हों तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु की शिक्षा के कारण ही भगवान के दर्शन हुए हैं। यह शरीर कच्चा घड़ा है जिसे तू साथ लिए घूमता फिरता है। जरा सी चोट लगते ही यह फूट जाएगा और कुछ भी हाथ नहीं आएगा।